वेलकम बैक टू अवर चैनल रुगीमा गरिमा का इस बार गरिमा गायब गाइस एक बहुत ही रैंडम और सडन वीडियो है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि क्वारंटीन डेज कैसे जा रहे हैं कुछ ना कुछ खाने का मन तो करता होगा ना सेम मेरे और गरिमा के साथ हुआ हम दोनों ने जैसे अभी अपनी टिकटॉक वीडियोज बना के खत्म की है और हम लोग बस बहुत कैजुअली मोमोज की बात कर रहे थे गरिमा को आप सबको बताइए उसको जंक फूड कितना पसंद है बाहर का खाना नहीं छोड़ सकती और मोमोज की हमने इतनी बातें भी नहीं की होगी जितने गरिमा के मुंह में पानी आ गया और उसने पता है क्या किया मोमोज बनाने शुरू कर दिए चलो आपको तो किचन में ले चलती हूँ so, गरिमा क्या हो रहा है मोमोज बन रहे वो तो मेरे को पता है पर कितनी प्रिपरेशन हो गई है क्या कर रही है तू YouTube वीडियो शूट बहुत मानू लोगों को पता होना चाहिए कि इसको जंक फूड कितना पसंद है कि घर में बना के भी खा सकती है और मोमोज में ऐसी चीज है कि आपने बात की और चलो बनाने लग जाओ सीरियस है क्या क्या हो गया है पागल है गाइस मैं तो कुछ नहीं मेरे मोमोज खाने का मन था इसका भी था तो मैं बस मोमोज बनाई थी तो मैंने कुछ नहीं करा है अभी तक मैं इसका अंदर का पेस्ट रेडी करने वाली हूँ और चटनी बनाने वाली हूँ ये इसने सब्जी को ग्रेट करके रखा हुआ है और ये क्या है क्यों बताऊं तुझे और ये अनियन है अनियन गार्लिक और जिंजर यस तो मुझे बता तो देती ना सडन शुरू हो गई कोई बात नहीं तो अभी क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है तो मैं बस इन सबको मिक्स कर रही हूँ और अंदर का पेस्ट रेडी कर रही हूँ पहले का ओके और चटनी मैं बना दूंगी क्योंकि सिर्फ एक वही चीज है जो मेरे को बनानी है चलो कुछ तो सच्चाई बोली आपने सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जिंजर गाइस तड़का लग रहा है तो दूर हो जाओ गार्लिक मुझे ना मोमोज ईटिंग चैलेंज याद आ गया तेरी इस यूट्यूब वीडियो हमें करना चाहिए खुद मोमोज बना के खुद जब तो मोमोज बनाएंगे ना हमें खाने में अलग ही मजा आएगा सीरियसली अब मैं इसमें अनियन ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल से मैंने लिया है कैरेट कैप्सिकम और कैबेज तीन ही सब्जियां डलती है आप जो वैसे अपनी चॉइस होती है कौन भी डाल हां स्वीट कॉर्न भी डालते हैं लेकिन गरिमा के मोमोज में तीन मेरे मोमोज में यही गरिमा की रेसिपी में तीन है इसकी रेसिपी नहीं है इसकी मम्मा की रेसिपी है वो ये बहुत टेस्टी बनाती है ये बस फालतू क्रेडिट ले जाती है तो मैंने उन्हीं से सीखा है मैं तो सारे क्रेडिट उन्हें देती हूँ ये कढ़ाई छोटी नहीं लग रही हाँ ये थोड़ी देर में ना पिचक जाता है मम्मी ऐसा कहती है कि जब आप नमक डालो तो ये पिचक जाएगा तो आ जाएगा सा पिचक जाएगा हाँ गाइस गरिमा ने कढ़ाई चेंज कर दी क्योंकि वो नहीं पिचका पिचका और... हो लेकिन मुझे वो भी ऐड ऑन करना है तो वो बहुत अच्छा ज़्यादा हो रहा था क्योंकि ये भी ऐड करना है उसी में क्योंकि घर में इतने लोग हैं और फिर सबको खाने सब लड़ेंगे मैंने भी सॉल्ट ऐड करा है ब्लैक पेपर ऐड की है और मैं थोड़ा सा मैगी मसाला डालूंगी बस मैं और कुछ नहीं डालूंगी लास्ट इंग्रेडिएंट मेरा है ये न्यूट्रेला मैं देखती हूँ ज़्यादा नहीं डालूंगी आई गेस इतना काफ़ी है इसका क्या होगा फिर इसकी सब्जी बन जाएगी सो गाइस इसमें सिर्फ एक लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया है जो वो मोमोज की चटनी होती है वो इसमें शायद 1 टीस्पून डलती है तो फिर मैं चटनी बनाती हूँ गाइस अब मैं चटनी बना रही हूँ चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़े से गार्लिक थोड़ी सी रेड चिलीज शॉर्ट्स वाले ग्लास से पानी और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक और फिर लास्ट में इस सब में होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 या 2 टेबलस्पून शेजवान चटनी हाँ मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने उसको रख दिया है कि मिक्स करके अच्छा बन जाएगा इसको अब हम इस तरह घुमाएंगे ये सारे अच्छे कर उतार ये नहीं निकालना हाँ ये नहीं निकालना हाँ ये नहीं निकालना हाँ निकालना है निकालना है हाँ सही बता दे हाँ निकालना है तो फिर तो ये सारी अच्छी कर दो
बस बाकी की मैंने निकाल दी थी। बस 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 गिरा देते और पानी बस, और इसको आप ग्राइंडर पे घुमा दो। गाइज अब हम इसी में ये दो चम्मच सेजवान भी डाल देते हैं, आपकी मर्जी कोई भी ऐड कर सकते हो उसको। इसी से जाएगा चटनी बना कौन रहा है क्यों? मैं या हमने जार चेंज कर दिया है और सारे वो जो सामान उसमें था वो उसमें डाल के दोबारा घुमा रहे हैं। वेरी गुड, थोड़ा सा और घूमेगा, थोड़ा सा और। अब बिल्कुल परफेक्ट चटनी बन गई ऑलमोस्ट। ये देखो चटनी तैयार है, अब हम इसे किसी भी कंटेनर में निकाल लेंगे। चटनी बन गई है और चटनी को मैंने हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है जो मिक्सचर है जो मोमोज के अंदर जाएगा। और गरिमा ने अब उसको डो को बेलना स्टार्ट कर दिया, वो मोमोज बनाना शुरू करते हैं। इस पे क्यों बेल रही है? तो देखती जा रही, मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। मैं एक ही बहुत बड़ी सी रोटी बेलूंगी और फिर हम कटोरी से छोटे छोटे राउंड्स कट कर लेंगे। ओके सो आप बहुत बड़ी सी एक रोटी बना लो और उसके बाद आप कोई भी कटोरी या ग्लास लेके राउंड्स राउंड्स कट कर लो। बट आई गेस कटोरी बेटर रहेगी, बड़े राउंड्स होंगे, थोड़े बड़े मोमोज बनेंगे। कुछ ऐसे आप उसको कट कर लो। इससे क्या होगा ना, आपका कोई भी मोमोज छोटा बड़ा और मोटा पतला बिल्कुल नहीं बनेगा, इक्वल शेप कट होगी तो सेम साइज के होंगे सारे और एक बार में काफी सारे रेडी भी हो जाते हैं। और मैं फिल करना सिखाऊंगी क्योंकि विनी को फिल करना नहीं आता है, तो फिंगर्स पे रखना है और ऐसे थोड़ा सा पेस्ट डालना है। ओके और इधर से पकड़ के प्रेस 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 प्रेस, तो ये रहा, ये ऐसे कर दिया। अच्छा पीछे को तुझे छेड़ना ही नहीं है, आगे वाला फिर से एक पकड़ पेस्ट कर दे, फिर से यूं पकड़ पेस्ट कर दे, पेस्ट कर दे, समझ आया? गाइज अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको सही फिल करूँ। देख ले एक बार इधर से, देख रही हूँ मेरे को थोड़ा थोड़ा आ गया वैसे मेरे को लगता है, और कुछ ऐसे शेप के मोमोज हो गए। ये देखो वेरी गुड, नाइस ट्राई। तो एक बार में 8 मोमोज तैयार हो जाते हैं। अब हम स्टीमर रखेंगे, स्टीमर को 10 मिनट रखते हैं, उसके बाद वो तैयार हो जाता है, फिर से मोमोज रख देंगे। तो उसको पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेना जिससे आपके मोमोज चिपके ना, और 10-15 मिनट्स स्टीम के बाद आपके मोमोज रेडी है। स्टीमर रख दिया है, ये 10 मिनट तक रखा रहेगा और गरिमा की ग्रीसिंग कर दी है ताकि वो चिपके ना। वो क्या नहीं चिपके मोमोज 10 मिनट्स तो नहीं, मतलब थोड़ा ज़्यादा, जब ये अच्छे से इसमें से स्टीम आने लगेगी, मीन्स जब वो बॉयल होने लगे इन पानी में, तो बहुत अच्छे से। और ग्रीस करने के बाद मैं इसमें मोमोज बाद में लगाऊंगी, पहले इसको डालती हूँ और इससे मोमोज। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कुकर में भी कर सकते हो। वैसे मैं बताती हूँ एक इजी मेथड, भगोना होता है जो आप पतीला भी बोलते हो, आप उसमें पानी डाल सकते हो, फिर उसके ऊपर एक छन्नी रख सकते हो ग्रीस करके, उस पर मोमोज रख के आप उसको किसी चीज से कवर कर सकते हो, वो भी सेम काम करता है स्टीमर जैसे। सो गाइस 10-15 मिनट रखने के बाद तैयार हो जाते हैं और क्या
और बहुत अच्छे से ये सीख चुके हैं, बहुत अच्छे ये स्मेल कर रहे हैं और हम ये खाने वाले हैं। मोमोज रेडी हो गए हैं और हम सब घर वालों को खिलाने वाले हैं, टेस्ट कराते हैं और खुद भी खाते हैं। चलो अरे वाह गरिमा क्या बात, खाओ खाओ फटाफट गरम गरम। मेरे को भी टेस्ट कराओ। कैसे लग रहे बासी? बहुत अच्छे। बासी बताओ कैसे? चटनी बहुत स्पाइसी और टेस्टी है। बढ़िया है, बिल्कुल सेक्टर वन जैसे। हम पास हो गए। ये कैसे है? बहुत टेस्टी है, चटनी बहुत अच्छी है, मोमोज की स्टफिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, लकी रेडी वेरी होममेड है, रियली अमेजिंग। आप भी अपने घर पे ट्राई करो और गाइस आप भी अपने घर पे ट्राई करो और हमें इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल के टैग जरूर करना। यम्मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।